समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और प्रचंड मतों से मिली जीत के लिए ठाकुर जी का आभार जताया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है, वोट की खातिर भाजपा ने फ्री राशन बांटा और नौजवानों को नौकरी देने का सपना दिखाया। जनता की नाराजगी मैनपुरी और खतौली में देखने को मिली है। भाजपा ने रामपुर में बेईमानी से जीत हासिल की है। मैं तो क्योंकि राजनीति में हूँ तो यही मांग कर सकता हूँ कि आम लोगों के सपने पूरे हों, और ये कह सकता हूँ इस पवित्र धरती पे बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो रास्ता लोगों के सपने नहीं पूरे करता, वो सपनों को तोड़ता है। अभी कोई बाजार नहीं बचा होगा जहाँ व्यापारी के यहाँ छापा ना पड़ रहा हो GST का। ये कैसा GST कानून बनाया जिसमें न जाने कितने संशोधन करने पड़े, और आज सरकार डराने के लिए व्यापारियों को, और ये भरोसा उड़ जाएगा व्यापारियों का। अगर व्यापारियों का भरोसा उड़ गया तो भारतीय जनता पार्टी शून्य पर पहुंच जाएगी। देखिए, भाजपा नफरत फैलाने वाली पार्टी है। इस धरती ने तो प्रेम और प्रेम का संदेश दिया है। इस धरती का संदेश तो यही है, और प्रभु श्री कृष्ण जी का यही संदेश रहा, लोग जोड़ें, आपस में मिल के रहें, मिलजुल की संस्कृति हो, भाईचारे की संस्कृति हो, एक दूसरे का हम सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अलग है। मैं तो